टू अनदर लेक्चर। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था बेंजीन की स्ट्रक्चर। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे बेंजीन की प्रिपरेशन। तो बेंजीन की प्रिपरेशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, एक दो रिएक्शन, शायद एक रिएक्शन मैंने आपसे आपके टेक्स्ट बुक से नहीं लिया है, उसके आउट लिया है। अदरवाइज जो भी मेथड्स हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेंजीन की प्रिपरेशन का जो पहला मेथड है, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम पेट्रोलियम। और आप सब जानते हैं कि पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स। और पेट्रोलियम में जो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें से हम यूज़ करते हैं एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। बहरहाल आप देख सकते हैं कि जब हम बेंजीन को पेट्रोलियम से प्रिपेयर करने जाते हैं तो इस मेथड को हम जो नाम देते हैं वो है हाइड्रोफार्मिंग प्रोसेस। हाइड्रोफार्मिंग प्रोसेस का मतलब आप बेहतर जानते हैं, मतलब कि हम एक हाइड्रोकार्बन को दूसरे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पेट्रोलियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम एन हेक्सेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है, नाउ दैट कंटेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कार्बन। और आप देख सकते हैं इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये ओपन चेन कंपाउंड है, सिर्फ इसको सर्कुलेट करके लिखा हुआ है। एंड दिस कंपाउंड यू कैन सी इज कॉल्ड एन हेक्सेन। एन हेक्सेन जो है ओपन चेन कंपाउंड, इसको हीट किया जाता है 480 डिग्री सेल्सियस से लेकर 550 डिग्री सेल्सियस, जो रेंज ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए। कैटलिस्ट है यहाँ पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, दैट इज V2O5। और इस एन हेक्सेन को कंप्रेस किया जाता है जिस प्रेशर पे, वो है 150 psi टू 300 psi। और वैसे तो आप जानते हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो होता है 14.7 psi, जबकि यहाँ पर हमने जो प्रेशर मेंटेन किया हुआ है वो 150 से लेकर 300। सबसे पहले क्या होता है कि जो अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन एन हेक्सेन वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है। पर ये कैसे होता है तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो एन हेक्सेन है इसके टर्मिनल कार्बन, ये दोनों कार्बन अगर आप गौर से देखें, ये दोनों टर्मिनल कार्बन या कॉर्नर कार्बन, ये दोनों कार्बन दे कंटेन 3 हाइड्रोजन CH3। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं CH3। पहले क्या होगा कि दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन माइनस होगा। दोनों कार्बन से जब एक एक हाइड्रोजन माइनस होगा तो दोनों कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, इस तरह से दोनों कार्बन बनाएंगे आपस में बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड मैं बना रहा हूँ, दिस बॉन्ड इज फॉर्म अ न्यू बॉन्ड, जो कि पहले नहीं था अब बन गया। जो 6 कार्बन थे उसके टर्मिनल कार्बन आपस में कनेक्ट हुए और दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकला है, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या माइनस हुआ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सेपरेट हुआ। तो इस तरह से एन हेक्सेन साइक्लाइज हुआ, एन हेक्सेन जो साइक्लाइजेशन में गया और इस तरह से वो कन्वर्ट हुआ किसमें, साइक्लोहेक्सेन में। कंडीशन प्रिवेल करेंगी, कंडीशन कंटिन्यू रहेंगी और इस तरह से ये जो एन हेक्सेन है जो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हुआ है, इस साइक्लोहेक्सेन को मैंने दोबारा बनाया है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है। और आप ये भी देख सकते हैं कि हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन भी हैं, इवन इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है। एवरी कार्बन कंटेंस 2 हाइड्रोजन। कंडीशन कंटिन्यू रहेंगी और यही जो साइक्लोहेक्सेन है ये फाइनली जाके बेंजीन में कन्वर्ट होगा। ये बेंजीन में कन्वर्ट कब होगा, जब पाई बॉन्ड बनेंगे। और आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको ये बात सिखाई गई है कि जब दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसकी रिजल्ट एक पाई बॉन्ड हो सकता है। और यहाँ पर भी ऐसा होगा क्योंकि बेंजीन में टोटल मिला के 3 पाई बॉन्ड होते हैं। डीलोकलाइज तो होते हैं पर नंबर ऑफ बॉन्ड तो 3 ही होते हैं पाई बॉन्ड। होगा क्या, अगर फर्ज करो, एक बात मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो साइक्लोहेक्सेन है, अगर हर कार्बन से, सपोज इन दो कार्बन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करें कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाए और इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन निकल जाए और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से माइनस हो जाएं एज ए H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाए, तो फिर इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और सिमिलरली अगर इन दोनों कार्बन से भी हाइड्रोजन माइनस हो जाए तो यहाँ पर भी बनेगा डबल बॉन्ड। और इस तरह से ये भी हाइड्रोजन माइनस हो जाए और ये भी हाइड्रोजन माइनस हो जाए तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। होगा क्या कि जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें से 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रिमूव होंगे और इस तरह से 3 पाई बॉन्ड बनेंगे, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के माइनस हुए, 3। ओवरऑल अगर देखा जाए एन हेक्सेन से लेकर बेंजीन तक के सफर में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो माइनस हुए वो 4 मॉलिक्यूल्स हैं। पहला मॉलिक्यूल जो माइनस हुआ था वो ओपन चेन को क्लोज चेन कन्वर्ट करने में जो है वो माइनस हुआ था।
अब फाइनली जो साइक्लोहेक्सेन बना था, साइक्लोहेक्सेन जब बेंजीन में कन्वर्ट हुआ तो इसमें से तीन मॉलिक्यूल और माइनस हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट आर बीन रिमूव्ड फ्रॉम एन हेक्सेन टू बेंजीन आर फोर मॉलिक्यूल्स। तो आई थिंक पहला मेथड क्लियर होगा, समझ में आ रही बात ये, गुड। चलते हैं एक मेथड की तरफ और, नंबर बी। अब जिस तरह से मैंने आपको कहा कि पेट्रोलियम से हम जो बेंजीन बनाने जा रहे थे उसका पहला मेथड था फ्रॉम एन हेक्सेन, पेट्रोलियम चूंकि मिक्सचर है इस वजह से हम एक और मेथड की तरफ बढ़ते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन एन हेप्टेन इन दोनों से बेंजीन बनाने की जो टेक्निक है वो ऑलमोस्ट सेम है, पर ध्यान से सुनोगे कहानी क्या है। पहले आप देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः और सात कार्बन हैं और इस वजह से इस मॉलिक्यूल को हमने क्या नाम दिया है, इस मॉलिक्यूल को हमने नाम दिया एन हेप्टेन। अब पहले छः कार्बन थे, अब सात कार्बन है, ठीक है, पहले छः कार्बन थे अब कितने हैं, सात कार्बन है। अब क्या होगा, कंडीशन आप देख सकते हैं सेम है, 480 टू 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट और 150 टू 300 PSI प्रेशर। तो अंदर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन ये एन हेप्टेन जो है ये साइक्लाइज होगा क्योंकि बेंजीन तो साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, पर यहाँ पर तो सात कार्बन है, बेंजीन में छः कार्बन है तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन भी तो माइनस होगा। लेकिन ये कहानी कुछ यूँ है, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं आपसे ये कहूँ पहले इन दोनों कार्बन से, ये जो दोनों कार्बन है इनमें से हाइड्रोजन जब माइनस होगी तो फिर इन दोनों कार्बन के बीच में बनेगा बॉन्ड, तो इस तरह से ओपन चेन जो होगी वो क्लोज चेन में कन्वर्ट होगी, और फिर हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन और माइनस होता जाए तो इस तरह से तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और माइनस हों तो इस तरह से फाइनली हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा वो आप देख सकते हैं कौन सा कंपाउंड बना, टॉलिन। पहले जब हमने एन हेक्सेन से स्टार्ट किया था तो बेंजीन तक हम एंड किए थे, लेकिन जब एन हेप्टेन से शुरू किया तो हमारा जो एंड रिजल्ट है वो बेंजीन नहीं है, वो टॉलिन है, क्योंकि एक कार्बन जो है वो आप जानते हैं कि बेंजीन की रिंग में शामिल नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल माइनस हुए, चार। और ये बात मैंने पहले भी कही कि एन हेक्सेन से बेंजीन तक के सफर में चार मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के माइनस हुए थे, तो इस तरह से एन हेप्टेन से टॉलिन तक के सफर में भी कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल माइनस हुए, चार, ठीक है। एक तो बात ये हो गई, लेकिन हमें टॉलिन तो नहीं बनानी, हमें बेंजीन बनानी है, हम टॉलिन से जो मिथाइल ग्रुप है उसको यहां से माइनस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये टॉलिन, टॉलिन से जो मिथाइल ग्रुप है इसको अलग करना है तो हम एक बार फिर इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 480 टू 760 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, मोलिब्डियम कैटलिस्ट भी है इस केस में, तो आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है दैट कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम, वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विद मिथाइल रेडिकल एंड दैट विल फॉर्म मीथेन, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो फिनाइल रेडिकल के इस कार्बन पे जाएगा तो इस तरह से क्या बनेगी, बेंजीन। तो दैट्स द वे हाउ टॉलिन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। चलते हैं एक और मेथड की तरफ, बेंजीन की प्रिपरेशन का एक और मेथड भी है, नाउ दिस इज यू कैन सी फ्रॉम फिनोल, और जब हम फिनोल से बेंजीन बनाने जाएंगे तो इस मेथड को हम कहते हैं बाय रिडक्शन, और आप बेहतर जानते हैं रिडक्शन को समझाने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। रिडक्शन को समझाने का एक तरीका है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिडक्शन को समझाने का एक तरीका है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हम देखेंगे कि रिडक्शन की कौन सी डेफिनेशन फिट आ रही है, तो चलो देखते हैं कि हेयर वी हैव फिनोल दैट इज बेंजीन दैट कंटेन्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यू कैन सी ओवर हेयर। बेंजीन को बनाने के लिए फिनोल के जो वेपर्स होते हैं इनको रेड हॉट जिंक मेटल जो होता है उसके साथ ट्रीट करते हैं, जिंक पहले से हीट किया जाता है, इतना हीट किया जाता है कि वो रेड हॉट हो जाए, और बाद में जिंक जो है उसके जो रेड हॉट ऑप्शन है जिंक का उसको हम फिनोल के वेपर्स के साथ हम ट्रीट करते हैं, तो क्या होता है कि इसकी जो ऑक्सीजन है फिनोल की ये जिंक के साथ कंबाइन होकर बना लेती है जिंक ऑक्साइड, और ये जो हाइड्रोजन पार्ट है ये फिर इस कार्बन पे चला जाता है जो फिनाइल रेडिकल है, इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, बेंजीन। अगर आप इसको फार्मूला वाइज सीखना चाहते हैं तो जल्दी सीख जाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि फिनोल जो है उसकी स्ट्रक्चर मैंने ऐसे लिखी है C6H5 यू कैन सी, और इसके साथ मैंने लिखा है OH, ये भी तो फिनोल है। हम क्या कर रहे हैं, इसको जिंक के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन पार्ट जिंक के साथ बनाएगा जिंक ऑक्साइड, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हाइड्रोजन जाएगी C6H5 पोर्शन के पास, और इस तरह से हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो होगा वो क्या होगी, बेंजीन। तो फिनोल में से सिर्फ और सिर्फ कौन सा एटम माइनस हुआ, सिर्फ और सिर्फ जहां से जो माइनस हुआ वो ऑक्सीजन, बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने इस मेथड के लिए जो वर्ड यूज किया वो वर्ड कौन सा यूज किया, रिडक्शन ऑफ फिनोल। एक और मेथड बेंजीन को बनाने के लिए एक और तरीका भी है, नाउ दिस इज फ्रॉम कोल टार, ये बात हम चैप्टर नंबर 6 से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोल टार से जब हम बेंजीन बनाते हैं तो आपको पता है कि बिटुमिनस कोल
बिटुमिनस कोल जो कि ज़मीन से निकलता है, सबसे पहले हम इसकी करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बिटुमिनस कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिल करने से हमें एक फ्रैक्शन जो मिलती है उनमें से एक फ्रैक्शन है कोल टार, और कोल टार जो है इसको जब हम फ्रैक्शनली डिस्टिल करेंगे, क्योंकि पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन थी अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब हम कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो बात देखें कि हमें क्या मिला, बेंजीन। पर आपको ये बात समझाई गई है कि जब कोल टार की 100 किलोग्राम अमाउंट लेंगे तो फिर बेंजीन की जो क्वांटिटी हमें मिलेगी दैट विल बी 1 to 2 किलोग्राम। हाउ मच बेंजीन वी विल गेट फ्रॉम 1 किलोग्राम to 2 किलोग्राम। यहां पर ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है, पर बात याद रखनी है कि बेंजीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कोल। कोल कौन सा? बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, हमारी एंड रिजल्ट क्या बनी? कोल टार। और कोल टार को हमने फ्रैक्शनल डिस्टिल किया तो इस तरह से हमें क्या मिली है? बेंजीन। एक और मेथड की तरफ चलते हैं, रिएक्शन नंबर 4। दिस मेथड इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक बट एटलीस्ट जस्ट लिसन। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्रॉम फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एंड यू बेटर नो फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इसको हम कहते हैं ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। विक्टर ग्रिगनार्ड ने ये रिएजेंट सबसे पहले डिस्कवर किए थे, तो हम इसका नाम लेते हैं फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। और आप सब जानते हैं इसमें मैग्नीशियम पार्ट पॉजिटिव, और जो कार्बन बेंजीन का जिसके साथ मैग्नीशियम कनेक्टेड है, इस कार्बन के ऊपर होती है नेगेटिव चार्ज। इसकी हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम के लिए हमने शो किया है प्रोटॉन। होगा क्या कि जो नेगेटिव कार्बन है फिनाइल रेडिकल का, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, और OH ग्रुप जो है वो जाएगा मैग्नीशियम के साथ। और आप जानते हैं कि जब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो ये जो C6H5 पोर्शन है जो कि फिनाइल रेडिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बेंजीन में। बाकी मैग्नीशियम के साथ आयोडीन ऑलरेडी था, मैग्नीशियम के साथ एक OH ग्रुप भी आएगा, और इस तरह से हमारा एक बाय प्रोडक्ट भी बनेगा। पर हमारा टारगेट बेंजीन की प्रिपरेशन थी, तो वी गॉट द बेंजीन। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। अब आते हैं रिएक्शन नंबर फाइव। पांचवा जो मेथड है, दिस इज फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट से जब बेंजीन बनाते हैं तो ये मेथड लगभग वही है जो मीथेन की प्रिपरेशन का है। आपको याद होगा मीथेन को हमने प्रिपेयर किया था बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट से मीथेन बना था, और इस तरह से सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बनेगा। कैसे? तो आप पहले तो आप देखें कि ये जो सोडियम बेंजोएट है, here we have the formula benzene ring over which we have C double O Na। क्या होगा कि इसका जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है ये, और इसका जो NaO पार्ट है ये दोनों पार्ट आपस में कंबाइन होंगे, बनाएंगे क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन पार्ट है ये जाएगी बेंजीन के इस कार्बन के साथ, तो इस तरह से जो फिनाइल पोर्शन है C6H5 पोर्शन जो रिंग का, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बेंजीन में। तो बताओ कि इस मेथड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हुआ, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम बेंजोएट जो है इसकी क्या हो रही है? हम कहेंगे सोडियम बेंजोएट जो है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। व्हाट वी कॉल दिस मेथड? डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, चलते हैं लास्ट जो मेथड है प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम इथाइन। अब आप देखें इथाइन जिसका फॉर्मूला है C2H2, इसके मैंने लिए हैं 3 मॉलिक्यूल्स, या आप 3 मोल्स का नाम ही ले लें। व्हेन 3 मोल्स ऑफ इथाइन आर ट्रीटेड विद द कैटलिस्ट लाइक ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट, देन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन गोइंग टू बी पॉलीमराइज एंड कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन। क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो इथाइन का, उसमें 2 कार्बन है, तो 3 मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होंगे तो 6 कार्बन, और 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 3 मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होंगे तो 6 हाइड्रोजन, तो बनेगा C6 और H6, और आप बेहतर जानते हैं C6H6 इज नथिंग बट द बेंजीन। तो इथाइन पॉलीमराइज होती है, बेंजीन बनाती है। इस मेथड को आप साइक्लाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ओपन चेन कंपाउंड क्लोज चेन में कन्वर्ट हुआ। आप इस मेथड को एरोमेटाइजेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा कि एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, या आप इसको कह सकते हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन इस सारी कहानी को समझाने के लिए कि इथाइन के 3 मॉलिक्यूल बेंजीन कैसे बने, तो मैंने यहाँ पर इथाइन के 3 मॉलिक्यूल बनाए हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, और 3 मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड एंड विद ईच कार्बन देयर इज 1 हाइड्रोजन। हर कार्बन के साथ आप देख सकते हैं 1 हाइड्रोजन है। सो हियर 1 ऑफ द इथाइन मॉलिक्यूल, 2nd मॉलिक्यूल एंड 3rd मॉलिक्यूल। होगा क्या? होगा ये कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा।
ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में शिफ्ट होगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में शिफ्ट होगा। तो क्या होगा कि जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, और जहां बॉन्ड ही नहीं है वहां बनेगा सिंगल बॉन्ड। इस तरह से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। सो व्हाट वी कॉल दिस मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेंजीन। तो दीज आर द वेरियस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। होप कि आपको आज के बेंजीन की प्रिपरेशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं ये आपको समझ आए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।